वही चीज शुभेंदु जो हम कह रहे थे, इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है जो ना पावर प्ले में पहले रन बनाए, फिर एक्सलरेट भी उस तरीके से नहीं कर पाए, और आखिर में सम हाउ वो फिर से ये है कि मोहम्मद हैरिस ने जो आकर हिटें लगाई और शान मसूद ने जो गैप सेट करके डबल्स इस तरीके के रन स्कोर करे, बट आखिर तक भी मतलब यही हो रहा था कि वो पाकिस्तान फिर भी विकेटें फेंके जा रही थी। आज तो मैं टर्मिनेट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो फिर भी हैरिस की पारी की वजह से जीत गए, बल्कि वही है कि उनके लिए खुशी है कि उस सेमीफाइनल कैसे तैसे पहुंच गए। उन्हें आज भी देखिए आप 10 में 50-55 रन, विकेट नहीं गिरा है आपके, उसके बावजूद जब आप 128 रन चेज कर रहे हैं और अपनी टीम को फंसा के जा रहे हैं, तो मतलब वही है कि वो पाकिस्तान के जो फैंस है वो अभी भी सोचेंगे भाई हमारी टीम क्या क्या रही है, हमारी बैटिंग किस तरीके की हो रही है। जो सवाल था जो भाई उसमें लिख भी रहे थे कि 150 होता हम तब भी जीत जाते, अब उनको खुद देखना चाहिए कि आपकी टीम 128 में भी आपकी टीम किस तरीके से जीत रही है। मतलब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ 130 में हार गए, यहाँ पर भी देखिए हारे नहीं जीत गए, पर वो एक समय लग रहा था वो तो शायद 2-3 1-17 में 16 ओवर के आसपास शॉट आ गए। थोड़ा सा उनकी फील्डिंग भी देखेंगे आज बांग्लादेश की बड़ी, मतलब कैचिंग में भी आपने चांसेस छोड़े, नो बॉल्स, डिसिप्लिन अगर रहते मतलब ये नहीं था कि जीत ही जाते, बट शायद मैच अगर आखिरी ओवर तक जाता तो कुछ भी हो सकता था। जिम्बाब्वे वाले मैच में 3 बॉलों पर 3 रन नहीं बने थे पाकिस्तान से, तो यहाँ पर अगर आखिरी ओवर में जाता, नर्व्स वैसी रहती तो कुछ भी चीजें हो सकती। लेकिन 10-15 ओवर के बीच में सारे इनकी जो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी देखिए, सब ऐसे घबराए हुए थे, जबकि 127 में तो आपको रिलैक्स होना चाहिए था, पर आपने बैटिंग कैसे की थी, आप घबराहट वहां पर थी, पर वही है उनके लिए अच्छी बात ये है कि वो जीत गए हैं, जो भी कुछ हुआ सब कुछ भूल कर उनको एक सेमीफाइनल में पहुंच गए। आप चैंपियनशिप जीत सकते हो, जहां पर आप एक गेम हारकर और जिम्बाब्वे वाला मैच हारकर पूरे तरीके से सबने आपको राइट ऑफ कर दिया था, अब आप खड़े हो ट्रॉफी जीतने से सिर्फ 2 कदम दूर। अब देखो भूल जाओ ग्रुप स्टेज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो 4 टीमें वहां पर हैं वो बराबरी पर ही स्टार्ट करेंगी, उनको 2 अच्छे मैचेस खेलने और वो वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे। पर बाबर आजम और रिजवान को देखना होगा कि जब आपके पास बैटिंग लाइनअप थोड़ी लंबी भी हुई है, हैरिस आ गए टीम में, मसूद भी उस रोल को अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग फिर भी 10 ओवर तक खेले जा रहे हो, मतलब और रन बना रहे हैं। आप देखिए बाबर आजम 32 पे शायद 26-27 रन के आसपास है उनका, 32 पर 32 मेरे ख्याल से रिजवान है, तो फिर शायद 26 बॉलों पर 17-18 इस तरीके से। ये वर्स्ट आई थिंक मैंने अगर सबसे एवरेज क्रिकेट खेलते हुए किसी टीम को सेमीज करते हुए देखा होगा, शायद जितनी मेरी मेमोरीज मुझे सर्व कर रही है मैंने सबसे वर्स्ट क्रिकेट देखी है, क्योंकि बाबर रिजवान मतलब 128 चीज में अगर आप 56 का स्टार्ट दे रहे हो ना 10 में मेरा विकेट गिरे, तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि अब पता नहीं नीदरलैंड के क्या चीज इनके भाग्य ने बाबर नीदरलैंड के अगेंस्ट कितना चेज कर रहे थे, 33 गेंदों पर 94 रन 14-15 ओवर में चेज। आप देखिए बाबर आजम जो कप्तान है पाकिस्तान के, वो 33 गेंदों पर 25 रन बना रहे हैं 128 रन वाले रन चेज में, और वहीं पर रिजवान जो ओपनर 32 पे 32, मतलब किस्मत ही आगे ले गए अब यहां से आप अगर जीत भी जाते हैं अगला मैच तो हैरिस की तारीफ करनी होगी, हैरिस की जिनको आपने मौका दिया 18 पर 31 बनाकर उन्होंने जिस तरीके से वो वही ना देखो फ्री हिट ओवरथ्रो का चौका ये सारी चीजें जो कॉज कर गए, और मतलब जो हम लक और उसकी बात करते हैं ठीक है बांग्लादेश का जो भी था उन्होंने बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करी, बट लक भी आज उनके साथ था नहीं, वो आप डिसमिसल देख लो ओवरथ्रो वाला जो मैटर हो गया वहां पर डायरेक्ट हिट भी तो लग सकती थी, उसके बाद आप देखो नो बॉल्स वगैरह जो आपने डाली कैसे आपने ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत खराब थी, वो लोग देखिए चौका छोड़ रहे थे, सिंगल डबल हो रहा था, तो वो भी उनकी कमियां थी, बांग्लादेश के भी रन ऑलरेडी उन्होंने कम बनाए हुए थे, बट एक एट द सेम टाइम हैरिस की भी तारीफ है जिस तरीके से, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो आए कोई भी सुनील उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर रहा था, और उन्होंने अलग दिखाया कि भाई ऐसे कर सकते हो, और हैरिस भी जो हम बात करते हैं यार वो भी ऊपर ऊपर ही खेलते ओपन करते, तो भाई आप दोनों क्यों पीछे पड़े हो कि हमें ओपनिंग पोजीशन छोड़नी ही नहीं है, हमें ओपनिंग पोजीशन छोड़नी नहीं है, कोई और ओपन कर ही नहीं सकता है, ऐसा क्या है भाई वो जीत गए। देखिए वही चीज है कि आप इस तरीके से मुकाबला आज का जीत गए, पर यही गलती की थी तो जिम्बाब्वे सब हार गए थे, वहां पर भी शुरुआत धीरे हुई थी पर विकेट गिरती गई। आज अंतर यही रहा कि हैरिस ने अगर 18 पर 31 बना दिए जिससे आप मुकाबला जीत गए, फिर भी पाकिस्तान को करना होगा कि भाई आप जब सेमीफाइनल में खेलोगे न्यूजीलैंड सामने रहेगी वहां पर आपको इससे तो बेहतर करना होगा जो ओपनर है इनके बाबर रिजवान, मतलब तो बाबर रिजवान की देखो आज तो अपने स्पिनर भी लगा दिए, बांग्लादेश ने हेल्प भी कर दी, शाकिब ने उनके ओवर में रन आ गए थे, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आपकी क्रिकेट बिल्कुल भी टॉप लेवल की नहीं लग रही है, टॉप बैटर्स में से आप आते हो दुनिया में, फिर आपके यार में यही बात होगी पूरा वर्ल्ड कप निकल गया आप कंडीशन एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो मतलब वही इस टीम को पीछे धकेल रहे हैं। मुझे लगता है इफ्तिकार की जो पारी थी, शादाब ने जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है उसने इंस्पायर कर दिया, जो अफ्रीका के वर्सेस आपकी विन आई, आज भाग्य ने इतना बड़ा साथ दे दिया कि इतना बड़ा अपसेट हो गया अफ्रीका के साथ, और आप भाग्य आपको यहां लिया है, अब आपके पास 2 गेम्स है भाई, सब बात करते हैं कि जब आप टाइटल जीत जाओगे कि यार जीत गए, लेकिन उसके पीछे की जो क्रिकेट चाहिए उसको जीतने के लिए वो पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं लग रही, पर भाग्य नहीं है, टाइटल अगर जीत गए तो फिर तो कौन बोलेगा इनको कुछ, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई थिंक इनके स्टेटमेंट यही थी ना कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं, हम तो ऐसे ही जीतते हैं, कहीं ना कहीं ये भी है कि बाबर और रिजवान के पास 2 मैच तो अच्छे खेल ले, आपने कुछ नहीं किया, बट आप यहाँ से 2 मैच अच्छे खेल जाओ, सही बात है, तो कुछ तो करके दो, अब आपकी टीम भाई आपको पूरा उठाकर यहाँ तक ले आई है, अब आप यहाँ से 2 मैचेस अच्छे दे दोगे तो आप टाइटल भी जीत सकते हो रियलिस्टिकली, आप इन ओविदा चांस।